अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो, आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना है या फिर रील्स में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो आई एम श्योर रिंग लाइट एक ऐसी चीज़ है जो आप भी लेने का प्लान कर रहे होंगे। ऑलरेडी आपके पास एक रिंग लाइट होगी। हमने भी सोचा कि रिंग लाइट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग जिसके बारे में सर्च करते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो हमने आज सुबह ही ऑर्डर कर दी थी ये रिंग लाइट। डिजिटेक की है, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, हमने खुद अमेजोन से ऑर्डर किया था। 4-5 घंटे में घर पे लाइट आ गई थी। तो यहाँ पे पीछे जो आप लाइट देख रहे हो वही है रिंग लाइट। तो मैंने सोचा स्पेसिफिकेशन बताने से अच्छा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे आप एक रिंग लाइट को यूज़ करके अपनी वीडियोस को एक प्रोफेशनल लुक एंड फील दे सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एक रिंग लाइट लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें से सबसे पहली चीज़ है कि भाई इस लाइट का आउटपुट कितना है। तो यहाँ पे जैसे बॉक्स में लिखा हुआ है 60 वॉट पावर आउटपुट। तो ये जो मेरे पीछे रिंग लाइट लगी हुई है, इसका आउटपुट 60 वॉट्स का है। वही ये एक छोटी सी रिंग लाइट है जो हमारे पास पहले से थी। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, सबसे पहली चीज़ आप साइज़ में डिफरेंस देखोगे, दूसरा चीज़ ब्राइटनेस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अभी तो इसको मैंने मिनिमम पे रखा हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कलर टेम्परेचर की, तो यहाँ पे जैसे ये जो रिंग लाइट है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो 2700 केल्विन से 6500 केल्विन तक इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं, अगर मैं आपको रिमोट से करके दिखाऊं, यहाँ पे ये जो है अभी एकदम येलोइश लाइट है। इसका मतलब ये है इसका जो अभी टेम्परेचर है वो एकदम वार्म साइड पे है। वही इसका सेकेंड मोड है जहाँ दोनों वाइट और येलो दोनों लाइट चल रही हैं और अब है वाइट लाइट, तो ये सिर्फ वाइट LEDs चल रही हैं। तो ये तीन मोड जिसमें मिलते हैं। तो जितना टेम्परेचर का रेंज मुझे मिलेगा ना, उतना ज़्यादा मेरे लिए बेटर है कि मैं लाइट को एडजस्ट कर सकूं। कई बार स्किन अगर हल्की येलोइश है तो मैं उसको लाइट को एडजस्ट करके टेम्परेचर अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूं। उसके बाद अगली चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि उसका लक्स कितना है। 5400 LM लक्स है इसका। लक्स का बेसिकली मतलब है कि कितना ब्राइट है लाइट, इल्यूमिनेशन कितना ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उतना ज़्यादा इल्यूमिनेशन होगा। उसके बाद आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या ये जो रिंग लाइट है ये डिमेबल है। जैसे अभी अगर मैं करूँ ये एकदम मिनिमम पे है, और अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा तो इस पर अलग अलग स्टॉप्स पे लाइट कम और ज़्यादा होती रहेगी। तो इस तरीके से मैं इसको कम और ज़्यादा लाइट कंट्रोल कर सकता हूँ। रिंग लाइट में नॉब्स भी होती हैं, बट ये जो हमने डिजिटेक की रिंग लाइट ली है इसके साथ ये रिमोट भी आया था साथ में, तो यहाँ से मैं काफ़ी चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ। तो अब देखते हैं कि कैसे आप रिंग लाइट को प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हो। तो अभी लाइट एकदम ऑफ है, मैं अगर रिंग लाइट को ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे फेस में एकदम से ग्लो आ रहा है। अगर कुछ फेस में स्पॉट्स भी हैं, ब्लेमिशेज हैं, पिंपल्स हैं, उसको एकदम शेडोलेस कर देता है ये जो रिंग लाइट है। ये एक इसका बेनिफिट है। बट जैसे ही चश्मा पहनते हैं, बिकॉज मैं चश्मा पहनता हूँ, आप देखोगे रिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा चश्मे में। तो ये एक कहीं ना कहीं रिंग लाइट का ड्रॉबैक हो जाता है। और मेरे को कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा भाई इसको सही कैसे कर सकते हैं। यहाँ एक ये होता है कि एक तो ठीक है स्ट्रेट रिंग लाइट आ रही है, बट इसको और प्रोफेशनली हम कैसे आउटपुट निकाल सकते हैं तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बिकॉज ये तो एक स्टैंडर्ड एंगल हो गया, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं। बिकॉज अभी एकदम सेंटर में ये लाइट है एकदम स्ट्रेट मेरे 0 degree एंगल पे, तो ये तो एक स्टैंडर्ड ऑप्शन है ही, बट इसके अलावा हम और भी तरीके से इस लाइट को यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। तो अभी काम करते हैं, इसको मैं अपने 45 degree एंगल पे इस तरीके से लेके आ जाता हूँ। और अब आप देखोगे लाइट मेरे 45 degree पे है। मैं अगर सामने देख रहा हूँ, 45 degree मतलब 2 o'clock 3 o'clock के आसपास, यहाँ 9 या 10 बजे के आसपास आप उस एंगल पे ला सकते हो। अब इससे एक आप डिफरेंस देखोगे कि मुझे जो साइड लाइट मिल रही है यहाँ से लाइट तो आ रही है, बट कहीं ना कहीं इस साइड पे फेस पे शैडो आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो लाइटिंग इफेक्ट है आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज में देखते होगे और आपको लगता होगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सिंपल है। सेम लाइट हम यूज कर रहे हैं बट उसको एक डायरेक्शन दे रहे हैं। तो लाइटिंग को जैसे आप डायरेक्शन दोगे आपको अलग अलग इफेक्ट दिखता जाएगा। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ 45 degree से हम इसको अगर और मेरी लेफ्ट साइड पे लाइट आती जाएगी तो आप शैडोज पे ध्यान देना। आप देख रहे हो यहाँ पे और ज्यादा शैडो आ गए हैं, सिर्फ हाफ फेस पे लाइट आ रही है। तो ये भी एक टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हो। तो दिस इज सेकंड लाइटिंग आइडिया कि आप अपनी लाइट को एकदम अपनी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे रख के कुछ इस तरीके का ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। और इससे क्या होता है कि अगर आप कुछ सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हो या आपको इस चीज पे एम्फेसाइज डालना है तो ये साइड लाइटिंग आपको कहीं ना कहीं वो ड्रामेटिक इफेक्ट लाने में हेल्प कर सकता है। अब जो नेक्स्ट लाइटिंग टेक्निक हम करने वाले हैं वो है कि मैं लाइट को वापस 45 degree पे लेके आऊंगा। बट इस बार हमें क्या करना है कि मेरे को इसको लाइट को हल्का सा हाइट दे दूंगा, तो हेड लेवल से मैं ऊपर चले जाऊंगा। और अब यहाँ पे अगर आप लाइट का फॉलोअप देखोगे तो इधर लाइट सबसे मैक्सिमम आ रही है, नीचे आते आते कहीं ना कहीं शैडो क्रिएट हो रही है। तो ये भी एक लुक है जो आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस एंगल ऑफ लाइटिंग। अब सेम चीज अगर मैं एकदम यहाँ पे लेके आ जाऊंगा ऊपर और हल्का सा और हाइट हम दे देंगे इस तरीके से, और अब मैं लाइट को एकदम हेड के ऊपर ये क्रिएट कर दूंगा। और अब क्या है, लाइट एकदम सेंटर में है मेरे, ऑलमोस्ट हेड के सेंटर में आ चुकी है इस तरीके से। और अब अगर आप देखोगे तो लाइट का जो फॉलोअप है
वो ऊपर से आ रहा है लाइट, शेडोज थोड़ी नीचे की तरफ क्रिएट कर रहा है, तो ये भी एक इफेक्ट है जो आप रिंग लाइट से क्रिएट कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर आप शॉर्ट मूवीज क्रिएट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का आप ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो विद अ डिफरेंट लाइटिंग सेटअप। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग टेक्निक दिखाता हूँ जो आप रिंग लाइट से क्रिएट कर सकते हो, बाकी लाइट में इतना इजीली नहीं होता, वो होता है कैच लाइट। तो आपको क्या करना है, आपको सैंपल में सिर्फ आंखों पे ध्यान देना है और उसमें जो सर्कल सी लाइट बन रही है ना ब्लैक पार्ट पे, वो ध्यान देना। अब इसको क्रिएट करना बहुत ईजी है, देखो जितना मैं सब्जेक्ट के पास रखूंगा ना लाइट को, उतना ज़्यादा बड़ा लाइट सोर्स दिखेगा, बड़ी कैच लाइट दिखेगी आपको। और जैसे जैसे मैं पीछे जाऊँगा ना लाइट को लेकर, अब आप देखना आउटपुट में जो वो कैच लाइट है ना वो छोटी होती जा रही है। तो अगर आप देखोगे फोटोज वीडियोस में ग्लैमर स्पेशली जब दिखाना होता है, तो आपको देखेगा कि भाई इस तरीके से ये सर्कल सी लाइट बन रही है, वो रिंग लाइट से ही क्रिएट होती है। तो जितना पास रखोगे उतना ज़्यादा लार्ज आप कैच लाइट क्रिएट कर सकते हो। डिस्टेंस से ही सेकेंड चीज़ निकल के आती है, वो है हार्ड लाइट वर्सेस सॉफ्ट लाइट का इफेक्ट जो आप क्रिएट कर सकते हो। अब देखो मैं आपको फाइनल आउटपुट में भी दिखाता हूँ, लाइट को मैं जितना पास रखूँगा ना उतना क्या है, रिंग लाइट का शेप ऐसा है कि वो पूरे फेस को रैप अराउंड करता है और शेडोज़ बहुत कम रखता है। वही जितना मैं इसको पीछे लेके जाता जाऊँगा ना, आप देखना जो शेडो क्रिएट हो रही है मेरे सब्जेक्ट पे, वो कहीं ना कहीं शेडोज़ जो है वो हार्ड होती जा रही है, मतलब शेडोज ज़्यादा डार्क दिख रही हैं। तो अगर आप इंटेंशनली ये इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो कि आपकी फोटोज़ में या वीडियोज़ में ज़्यादा शेडोज हार्ड दिखें, तो आप लाइट को दूर रख सकते हो। बट अगर आपको ऑल ओवर इक्वल लाइट चाहिए, तो रिंग लाइट को जितना पास रखोगे उतना सॉफ्ट लाइट रहेगा। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइट जितना सब्जेक्ट के पास रहेगी उतना लाइट ज़्यादा फेस पे आएगा, मतलब आपको ISO कम रखना पड़ेगा, यहाँ नॉइस उतना नहीं आएगा। बट जैसी लाइट दूर जाती जाएगी तो अब क्या होगा कि जो सब्जेक्ट पे लाइट आ रही है वो कम होती जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं अपना सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, या अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो नॉइस ईजिली आ सकता है जितना सब्जेक्ट से लाइट दूर रहेगा। तो ट्राई करो, एक स्वीट स्पॉट ढूंढ लो कि लाइट को उतने डिस्टेंस पे रखा रहे कि लाइट भी फ्रेम में ना रहे और उतनी ज़्यादा लाइट भी आपके फेस पे आ सके। और थोड़ी सी अगर मैं इस रिंग लाइट के बारे में बात करूं, ऑल्दो क्वालिटी इज़ गुड, ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा है, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना है इस प्राइस पे। आई थिंक 3100 की रिंग लाइट पड़ी है, उस हिसाब से लाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा है। रिमोट साथ में फ्री आता है, वो मुझे सही लगा, ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है यहाँ पे, मैं ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ, ब्राइटनेस कंट्रोल हो जाएगा इजीली। तो दिस इज़ द मिनिमम, और अगर मैं मैक्सिमम लेके जाता हूँ ऊपर की एरो प्रेस करके, ये मैक्सिमम ब्राइटनेस है। देन यहाँ पे CT प्लस माइनस है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बट मुझे ये सेक्शन वाला बटन सही लगा। तीन प्रीसेट्स हैं, एक येलो है, एक मिक्स है येलो एंड वाइट, और एक वाइट है। तो रिमोट काफ़ी यूज़फुल है, स्पेशली अगर मैं एक डिस्टेंस पे बैठ के सोलो क्रिएटर हूँ, तो मैं दूर से ही बैठ के इसको ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ, टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ऑल इन ऑल आई थिंक ये किस ब्रांड की थी, डिजिटेक की, तो द लाइट इज़ गुड। एंड अगर आप प्लान कर रहे हो एक बजट में 3-4 हज़ार में, तो यू कैन चेक आउट दिस लाइट। और एक और चीज़ अभी हमने नोटिस की, इस रिंग लाइट के पीछे दो USB स्लॉट्स थे, तो मुझे लगा शायद वो चार्जिंग के लिए होंगे, तो मैंने ट्राई करा और इस तरीके से ये एक्चुअली फ़ोन को चार्ज कर रहा है। तो जब आप वीडियो शूट कर रहे हो उस टाइम पे अगर आपका फ़ोन बैटरी कम हो जाता है, आप ज़्यादा देर के लिए शूट कर रहे हो, तो ये चीज़ मुझे सही लगा, अलग से चार्जर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ही पीछे USB लगाओ, ये अपने फ़ोन में लगाओ, सी टाइप या जो भी केबल है, और आप अपने फ़ोन को साइड बाय साइड चार्ज कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी लाइटिंग के बारे में। रिंग लाइट से मैंने कुछ आपको टेक्निक्स बताई हैं, ये आप बाकी लाइटिंग के साथ भी ट्राई कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली रिंग लाइट में क्या चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये एक एंट्री लेवल वीडियो थी। हम और कुछ प्लान करेंगे बहुत ही जल्दी, बिकॉज मेरे को देख रहा है शेफ वीडियो की तरफ जाते हुए, आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।